ध्यान सिंह की हवेली खस्ता हाली का शिकार, तारीखी हवेली खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गई। हवेली आज किस हालत में मौजूद है और किस नाम से जानी जाती है? आज भी हवेली के कोई आसार वहां बाकी हैं कि नहीं, ये सब जानते हैं जुनैरा इलियास की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस टाइम जो है हम फातिमा जिना कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जो कि एक वक्त पे राजा रंजीत सिंह के खास आदमी ध्यान सिंह के नाम की हवेली से मशहूर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको जो है खस्ता हाली का शिकार होती रही। लेकिन उसके बाद सोचा ये जा रहा था कि इस जो हवेली को है वॉल सिटी को दिया जाए या सारे कदीमा को दिया जाए, लेकिन बाद में ये अच्छा फैसला जो सामने आया वो ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको दे दिया गया, और जिसके बाद इसकी क्या हालत है आइए हम आपको दिखाते हैं। में इस हवेली को एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया, उसके बाद इसकी जो खस्ता हाली का शिकार थी ये खंडरात बन चुके थे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब इसको हैंडओवर किया उसके बाद यहाँ पर इसकी तामीराती काम किए गए और इसको इसकी असल हालत में बहाल किया गया। महकमा आर्कियोलॉजी के अंडर भी ये जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये देना मुनासिब इसलिए समझी क्योंकि बहुत सी ऐसी मुगलिया इमारतें हैं जो कि अपनी असल वजूद के साथ अपने नाम खो बैठी हैं, लेकिन जब तक ये फातिमा जिना डिग्री कॉलेज यहाँ रहेगा ध्यान सिंह का नाम भी हमेशा कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। बाकी हम इसका अंदरूनी हिस्सा किस हालात में है, क्या क्या वहाँ पर मौजूद है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये हवेली का वो हिस्सा है जहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना दिया गया है। यहाँ के तलबा जो हैं यहाँ पे अपनी डिग्रीज़ के हवाले से यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, क्या ड्यूरेशन है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ जो है लोग यहाँ के इनसे मालूम करते हैं, और ये हवेली का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना दिया गया है। मज़ीद जो है हम आपको दिखाते हैं कि बाकी हवेली में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, महाराजा रंजीत सिंह के ख़ास आदमी जो थे ध्यान सिंह, इसलिए उनको ये जगह दी गई थी क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह के बहुत ज़्यादा करीब ये जगह थी, इसलिए उन्होंने ये जगह उनके लिए मुख्तस की गई थी कि ताकि जो भी मिलिट्री ऑर्डर्स होंगे वो पहले उनको दिए जाएंगे। और अगर आपको एक जगह हम दिखाएँ जहाँ पर आज भी वो आसार बाकी हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी वो फ्रेस्को पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि उस दौर में बनाई गई थी। बेसिकली ये उस टाइम पर बारूद खाना बीत कहा जा सकता है कि यहाँ पर सारे मिलिट्री जो है इक्विपमेंट्स यहाँ पे होते थे, और लेकिन आज जो है कॉलेज की क्लासेस यहाँ होती हैं, ये बगीचा जो है लड़कियों के लिए तलबा के लिए फ़रोग कर दिया गया है ताकि लोग बच्चे यहाँ के पढ़ें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सिंह को ये जगह मुख्तस कर दी गई थी क्योंकि मिलिट्री हेड होने के नाते उनको सारे ऑर्डर्स दिए जाते थे और उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता था, लेकिन आज ये जो ब्लॉक्स हैं ये अपनी तर्ज का वाहिद ये ब्लॉक है जहाँ पे आज भी उस दौर की फ्रेस्को पेंटिंग्स की जो है अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है, लेकिन आज कल यहाँ तलबा की क्लासेज होती हैं। और ये जो बगीचा है तब यहाँ पर एक्सरसाइज करवाई जाती थी जो कि उस टाइम पर सिपाही होते थे यहाँ पर वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज ये बगीचा भी तलबा को दे दिया गया है यहाँ के वो अपनी तलीम को फ़रोग देते हैं और यहाँ घूम फिर के एंजॉय के साथ साथ पढ़ते भी हैं। जी ये दीवार अपने तर्ज की वाहिद दीवार है जो आज तक उसी हालत में मौजूद है जो कि उस दौर में मौजूद थी। 1843 के बाद ध्यान सिंह के इंतकाल के बाद 47 कैनाल पे मबनी ये जो हवेली थी खस्ता हाली का शिकार होती चली गई, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जब से ये आई है उसके बाद इसका खस्ता हाली तो दूर करते करते साथ ही तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तलीम भी यहाँ फ़रोग की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा यहाँ आके तलीम को फ़रोग दे सकें। जी